हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितु और आप सभी का स्वागत है हमारे रेसिपीज़ की किचन में। आज हम बना रहे हैं ग्रेवी वाले आलू, जिसके पूड़ी के साथ में खाया जाता है और इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है एक हेवी पैन और अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जैसे गर्म हो जाता है इसमें डाल देंगे हम तेल। तो यहाँ मैं लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैं तेल ले रही हूँ। तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हम इसे गाढ़ी ग्रेवी वाला बना रहे हैं, तो तेल थोड़ा कम ही रखें इसमें। तो तेल हल्का सा गर्म हो गया है, जैसे हल्का सा गर्म हो जाता है इसमें हम डाल देंगे साबुत वाले खड़े मसाले। तो इसमें लिया है हमने तेज़पत्ता ली है, हरी इलायची ली है, मसाला इलायची ली है और दालचीनी ली है और इसे थोड़ा सा तड़कने देंगे। लगभग इसे 1 मिनट तक अच्छे से तड़कने देंगे। तो ये अच्छे से तड़क गए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, कलौंजी 1/4 चम्मच ली है। कलौंजी से जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खास करके जो हम ये ग्रेवी वाले आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसके में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हमने इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी ऐड की है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम कटी हुई प्याज। जब अच्छे से मसाले तड़क जाते हैं उसके बाद में ही प्याज को ऐड करना है और इसे अभी हल्का सुनहरा होने तक के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसमें डाल देते हैं नमक। तो इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है और ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें ऐड कर दिया है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने बिल्कुल फ्रेश वाला अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, यहाँ आप रेडीमेड वाला भी अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये अच्छे से भुन गया है, अब इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पे धना जीरा पाउडर जो होता है ये लिया है मैंने 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 चम्मच और यहाँ जो मिर्च है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है 1 चम्मच के करीब मैंने ऐड कर लिया है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा ये तीखी नहीं होती है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ली है, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। और इसे मिक्स कर लिया, अब इसमें ऐड करेंगे हम करी पत्ता। जो करी पत्ते से भी नहीं किया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, इसलिए हमने 5-6 करी पत्ते ऐड किए। और अभी कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं यहाँ। अगर आप जो टमाटर की प्यूरी होती हैं वो अगर ऐड करना चाहते हैं तो कटे हुए टमाटर की जगह पे आप प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पे हम टमाटर को अच्छे से पका लेना है, इसलिए इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा गर्म पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 जो बड़ा चम्मच होता है इस चम्मच से 1 चम्मच गर्म पानी ऐड किया है और फ्लेम को यहाँ पे हमने लो कर देना है क्योंकि हमें टमाटर जो है ये अच्छे से पक जाना चाहिए। तो हमने फ्लेम लो कर दी है और अब इसमें हमने ऐड कर लेना है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है और उसे क्रश करके ऐड किया है। और अब इसमें डाल दिया है किचन किंग मसाला। तो यहाँ 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला ऐड किया है और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी आप मसाला ऐड करें तब इसमें लो फ्लेम कर लेनी है आपने। और अब इसमें ऐड कर लिया है हमने हरी मिर्च स्लाइस की हुई। हरी मिर्च भी हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए हमने 2 हरी मिर्च को स्लाइस करके ऐड किया है। और ये मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, इसमें ऐड करेंगे हम बॉईल के और मसले हुए आलू। तो बॉईल कर जब आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है, इससे जो आलू है इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसे हमने बॉईल कर लिया और मैश करके इसमें ऐड कर लिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करते वक्त में मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। मैंने पहले ही साइड में गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, तो यहाँ लगभग मैंने 1 कप गर्म पानी इसमें ऐड कर लिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब पानी मिक्स कर लेते हैं तब आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है क्योंकि इसे हमें पकाना है। और अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। तो बिल्कुल फ्रेश वाली धनिया पत्ती हमने इसमें ऐड कर ली है और इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, उसके बाद सर्विंग प्लेट निकालते हैं। तो 5 मिनट के बाद में हमारी अच्छे से सब्ज़ी बन गई है, इसे हमने सर्विंग प्लेट में निकाला। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और भी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।